सो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग आप लोगों ने। आई होप हम लोगों का दिल्ली टू दुर्गापुर एंड दुर्गापुर टू दिल्ली वाले वीडियोस देखे होंगे। बहुत सारी चीज़ें उसमें पब्लिक इंटरेस्ट पे मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें मेंशन किया था। और बस कल ही हम वापस आए हैं और आज से दोबारा शुरू हो गया शूट। आज जो है वेडिंग शूट है, घर पे ही एक वेडिंग है। और अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ गुड़गांव में एक कपल का शूट है। क्रिश्चियन कपल है वो, तो क्रिश्चियन कपल है, उनको शादी से पहले कुछ पिक्चर्स चाहिए, तो वो लेने जा रहे हैं गुड़गांव अपने लोकेशन पे स्टूडियो में। उसके बाद एक मीटिंग है हमारी, उस मीटिंग में ड्रोन के लिए मीटिंग है। ड्रोन फ्लाई करना एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है बेसिकली। सो अब हम लोग गुड़गांव में शूट करने के बाद जो है ना, हम लोग जाएंगे दिल्ली कैंट में एक हम लोगों की मीटिंग है। उस मीटिंग में जो है ब्रिगेडियर हैं रिटायर्ड, उनका काम है, कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास, तो वहाँ पे ड्रोन फ्लाई करना है हमें। तो ड्रोन फ्लाई करने के लिए वहाँ हमें उससे पहले एक मीटिंग करना है, तो हम मीटिंग में जा रहे हैं, शाम को जाएंगे। अब मुद्दा ये है कि मैं निकल तो चुका हूँ घर से, हितेश को मैं पिक करूँगा अक्षरधाम मंदिर से, वो पहुँच चुका है इवन, फिर उसके बाद गुड़गांव। सो फ्रेंड्स, मैंने हितेश को कर लिया पिक और अब हम लोग गुड़गांव के लिए निकले हैं। आज का स्केड्यूल थोड़ा सा लाइटर टोन में है, एक नॉर्मल शूट गुड़गांव में और उसके बाद एक मीटिंग एंड डे ऑफ हो जाएगा हमारा। हम लोग जब इंडिया गेट की तरफ से निकल रहे थे तो यहाँ पे ना बहुत रश है आज, लेकिन बताए बॉर्डर पे रश नहीं है बिल्कुल भी आज, किसी भी बॉर्डर पे बता आया एकदम स्मूथ, और इंडिया गेट पर यहाँ पे तो एकदम पैक हो रखा है मामला। यहाँ जो है ना वो परेड और वो सब प्रैक्टिस चल रहा होगा अभी, तो उस हिसाब से तो लोग वापस आ रहे होंगे अब, इसलिए यहाँ रश है। बट आप लोगों ने, कितने लोगों ने रिहर्सल देखा है अभी तक वो आप मुझे बताना। मैंने तो कवर किए थे, 2016 में किया था मैंने, 2017 में मैं गया था, मैं दो तीन बार गया हूँ, मतलब सुबह 5:30 बजे आना और वो सब चीज़ें करना, इट्स लिटिल टफ यू नो, वो भी ठंड में, इंटरेस्टिंग ऑल्सो, लेकिन रोंगटे कांप देता है, है ना, रोंगटे कंपा देता है पूरा का पूरा। आपको वो एहसास नहीं होगा कि हमने थोड़ी ना बोला है बॉर्डर पे जाने के लिए, किसने कहा था पता आपको? ओमपुरी भाई साहब ने हमारे, वो कहते हमने तो ही ना कहा है बॉर्डर में जाने के लिए, हमने तो ही ना बोला है कि आर्मी में भर्ती हो जाओ और फिर बलिदान दे दो अपना, तो कम क्या है, शहीद हो जाओ, हमने तो ही ना बोला ये चीज। वाह क्या सीन है, बहुत ही बढ़िया। एक दो लोग लड़के लपाटे ये सब आगे बढ़ के आ रहे हैं, आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, फोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो, कुछ भी कमेंट कर दे रहे हो बिना मतलब सुनना सोचे क्या बोल रहे हो, बताओ क्या लॉजिक है इसका? उनको पता ही नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में है क्या, क्या चाहते हो, क्या लॉजिक है बताओ। अच्छा, ये फोर्स के बारे में ना एक हमारी एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा और मैं टैग भी करूँगा इस पर्टिकुलर वीडियो पे। और फोर्स पे आपको पता होगा बहुत अलग, तो हम लोग शेयर करेंगे बहुत जल्द, ठीक है ना, आप लोग ध्यान से उसको देखना, आपको मजा आएगा। हम लोगों ने इतने एक्सपीरियंसेस लिए हैं ना जिंदगी में जिसकी कोई हद नहीं। मोर देन 3000 कपल्स बोलो, फैमिली बोलो, वॉट एवर इट इज, मेरे लिए फैमिली है। मोर देन 3000 कपल्स फैमिलीज के काम किए हमने 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 फाइव ईयर्स में। 23 का जनवरी है, वो तो है ही है, अलग अलग नए लोग, नए एक्सपीरियंसेस, मजा आता है। ठीक है, आप लोगों को भी बताएंगे छोटे छोटे करके स्टोरीज, आप लोगों को भी पता चले कि यहाँ पे किस तरीके का तजुर्बा गेन कर रहे हैं हम लोग, गेन कर रहे हैं, क्या चीजें नई नई मिलती हैं। True. तो ये सब चीजें। सो फ्रेंड्स, गुड़गांव एंटर करने के बाद हमें फॉग मिल रहा है, अब ये फॉग है स्मोक है पता नहीं चल रहा, मुझे स्मोक लग रहा है, फॉग ऐसे नहीं होता है, ये तो बहुत अजीब तरीके का व्हाइटनेस है। फॉग का टाइम भी तो गया यार, फॉग कहाँ है,
सुरसुराहट ही नहीं है हवा में। अब सूरज भी निकल गया है लेकिन माइल्ड है काफ़ी, और डीएलएफ के बिल्डिंग लेफ्ट और राइट साइड से निकल रहे हैं मस्त तरीके के। इस गुड़गांव को पता है कब से मैं देख रहा हूँ, इस गुड़गांव को मैं देख रहा हूँ 2002 से मान लो, क्योंकि 2001 में मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में था, और कंस्ट्रक्शन नहीं 2001 में मैं एक रबर मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में था। तो वहाँ से एक आईएसओ ऑफिसर के अंडर में मैं स्क्रूटनी करने जाता था। आईएसओ की सर्टिफिकेशन होती है अलग अलग सेगमेंट की, अलग अलग सर्टिफिकेशन, तो उनके साथ जाता था और उनकी पूरी रिपोर्ट बनाता था, उनकी फाइल बनाता था 50-60 पेज की 80 पेज की, और क्या मेजरमेंट वो ले रहे हैं, कैसे कैसे क्या प्रोसेस है उनका, वो पूरा करके फाइल बना के फिर कंपनीज को भेजते थे और आईएसओ सर्टिफिकेशन मिलता था। तब जो है हमें वो लाता था अपनी गाड़ी में बिठा के ना, तब की बात हो रही है 2002 की, सोचो आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब तो ये डीएलएफ का ये शिप वाली बिल्डिंग होती थी और उसके साथ में जो एक दूसरी बिल्डिंग है वो, बस उसके बाद तो पूरा गंजा था ये, सिर्फ जैसे आगे एक रास्ता आता है इसी रोड पे, आगे एक रास्ता आता है जिसमें सिंगल लोन चलती है, वैसा वाला लोन लेन था यहाँ पे पूरा स्ट्रेच। कहानी बदल गया है। और अभी देखो गुड़गांव कहाँ से कहाँ बदल गया। अगर बोले ना मैं 10 साल पहले गुड़गांव गया था, मैं जब तक गुड़गांव हूँ भूल जाएगा, खो जाएगा गुड़गांव में। हाँ 10 साल पहले तो बंदा खो ही जाएगा, वो बोलेगा ये कैसा गुड़गांव आ गया भाई, ये क्या चीज़ है, ये क्या हो गया। तो वही चीज़ है, टाइम टू टाइम जो है तरक्की होती रहती है, डेवलपमेंट चलता रहता है। अब देखो ना इतने सारे फ्लाईओवर के ऊपर इतने सारे यू टर्न बना दिए 2-3 इन्होंने ट्रैफिक को काटने के लिए, करने ही पड़ेंगे नहीं तो कैसे होगा, गरीब मैनेजमेंट नहीं होगा। ये मेन रोड है, हाईवे सीधा कनेक्ट करता है, जयपुर होते हुए सीधा पुष्कर जाके आगे चला जाता है, और अभी तो मुंबई कनेक्टिविटी भी आ रही है, कनेक्टिविटी आ रही है तो फिर वो, और सोना रोड से ये वो भी हाईवे से स्टार्ट है सोना रोड से, तो समझ जाओ चीज़ फिर आप क्या होने वाला है। तो रश को काटने के लिए अगर सीधे नहीं करे जाएंगे सही तरीके से तो है तो दिक्कत ही ना। चलो मिलते हैं आगे स्टूडियो पहुंच के। तो गुड़गांव से फ्री होने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं धौलाकुआ की तरफ, वहां से कुछ सामान भेजेंगे कुरियर से लोधी गार्डन, और फिर हम लोगों का एक मीटिंग है। जो शूट हुआ आज स्टूडियो में वो था काइंड ऑफ प्री वेडिंग शूट, उनको कुछ ऐसे ही फोटोज चाहिए थे, कपल फोटोज, उनकी शादी होने वाली है। SMEs थे, मैम है मेघालय से, मणिपुर, मैं मणिपुर से और सर SME, तो उनका अच्छा शादी है, तो उन्होंने कुछ फ़ोटो खिंचवाए स्टूडियो में लिए, हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स, कुछ एलआउट पिक्चर्स लिए, और फिर हम लोग गए आउटडोर पार्क में, पार्क में कुछ पिक्चर्स लिए, तो कुछ इस तरीके का सेशन रहा, बढ़िया फ़ोटोज आई मस्त एकदम। यही सब है, बात करें लंच की तो अभी 3:50 हो रहे हैं, लंच में हमने खाया अभी अमरूद, बस यही लंच हुआ है अभी, बैक टू बैक चीज़ें चल रही हैं। इतना पैसा कमा के कहाँ ले जाएंगे भाई, पैसा कमाई का हो गया अभी एक शूट करा है, उन दिनों को याद कर रहा हूँ, कहाँ हम नौना शूट करते थे एक दिन में, मैं तो उन दिनों को याद कर रहा हूँ, कहाँ गए वो दिन, हाँ गए वो दिन, वो गाना याद आ रहा है मुझे, वो सर्कस जोकर, जोकर का, जोकर मूवी का गाना नहीं था, वो गाना याद आ रहा है, क्या गाना बोल क्या है मैं भूल रहा हूँ बार बार, ये सुहाने दिन, वो सुहाने दिन रहता उसका रहता ना। तो भाई लंच में आ गया बर्गर किंग से पूरा 1 पैकेट बर्गर खाएंगे मस्त पेट बढ़ाएंगे। आप लोग बताओ कमेंट करके आप लोग किस तरीके का लंच प्रेफर करते हो, शाम को 4 ब्रेकफास्ट क्या, सुबह खा के निकलाता मैं कितने बजे पता आपको, कितने बजे मैं निकलाता, अराउंड 7-8। मैंने तो ब्रेकफास्ट किया ही नहीं, 9 मैं 9 निकलाता एक रोटी खा के पनीर की सब्जी के साथ, ठीक है, और दूध पिया था। I was not well. तो मैंने सिर्फ एक रसगुल्ला और एक ग्लास पानी, that's it. और फिर वो खाना क्या बोलते हैं, फिर अमरूद खाया एक, अब लिया है खाना, अब खाएंगे खाना, अब ये हो जाएगा डिनर प्लस लंच टाइप मान लो इसको, कह सकते हैं, मान लेते हैं, तो ऐसा सीन है। बाकी खाना खाते हैं,
फिर देखते हैं कब तक कहाँ पहुँचेंगे। खाना खाते हैं फिर दोबारा मिलते हैं। तो हम लोग निकल रहे हैं प्रगति मैदान वाली टनल से बाहर। ये वाली प्रगति इंडिया गेट से कनेक्ट करती है हमें ITO वाले रोड पे और उधर सराय काले खा वाले रोड पे। तो हम लोग एग्जिट करेंगे सराय काले के खा की तरफ में। बहुत ही कलरफुल सा डिज़ाइन बना रखा है इस टनल का, बढ़िया एकदम लाइटिंग वाइटिंग लगा रखी है, मस्त एकदम बढ़िया लग रहा है कुल मिला के। बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस टनल को बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत, टाइम बहुत, इतना बहुत लिया है, इतना आर्ट वर्क बनाया है ना और टाइम बहुत लिया है। ये बल्कि बनने चाहिए था 10 साल पहले, ये टनल बनना चाहिए था 10 साल पहले और बना है 10 साल बाद। ठीक है चलो बन गया भाई, बहुत ये भी संडे संडे बंद हो जाता है, क्या मतलब है हमें समझ में नहीं आता लॉजिक, संडे में बंद कर दो टनल को। रात को 2 बजे बंद कर दो ना, रात को 2 से 4 बंद कर दो या रात को 1 से 3 बंद कर दो या 4 बंद कर दो, रात को तो ट्रैफिक कम रहता है। 5 तक भी बंद कर दो, 5 के बाद तो ओपन ही करना चाहिए। बट चलो बन गया सही है, बहुत सारा ट्रैफिक जो है इधर से उधर डाइवर्ट हो जाता है आज के डेट में। लेफ्ट में ITO एंड राइट में नोएडा अक्षरधाम सराय काले का। चलो फ्रेंड्स वी आर साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर, मिलते हैं फिर दोबारा किसी दूसरे ट्रैवल पे, किसी दूसरे ब्लॉग पे। टिल देन गुड बाय।